तो महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, इन जगहों से दूर दूर के गांव से जो आप एफपीओ के डायरेक्टर्स हमारे इनविटेशन पे यहाँ पे आए हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जो महानुभाव हमारे इनविटेशन से यहाँ पे आए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सबके बिना इस कार्यक्रम को कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं था, तो इसीलिए बुलाया था। और 20-25 दिन पहले ये प्रोग्राम तय हुआ, तभी कोविड प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग चल रहे थे, इस वजह से हमने सोचा कि 40 से 50 लोगों के ऊपर की यहाँ पे एंट्री मिलनी बहुत मुश्किल है, वो हिसाब से लिमिटेड लोगों को बुलाया। लेकिन एक एक हीरा है जो यहाँ पे आया है, एक एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो डायरेक्टर है, मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ, और आपने जो काम किया है वो हमने देखा है, जो हमने वेबिनार्स हुए उसके बाद जो अपनी बातें हुई, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई, हम आपके गाँव में आए हैं, आप हमारे ऑफिस में आए, तो मुझे इतनी तो तसल्ली है कि आप लोगों के साथ में मिलकर अगर हमने इस मिशन को आगे बढ़ाने का निश्चय आज कर लिया तो एफपीओ के लिए बहुत बड़ी मिसाल बन सकती है। कॉटन एक कोर प्रोडक्ट अपना रहेगा, लेकिन कॉटन के सिवा जो भी आप उगाते हैं उसको मार्केटिंग करने में मदद करनी जरूर विशेष में करेंगे आगे छोटा। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझना ये है कि हम कहाँ खड़े हैं अभी और कहाँ जा सकते हैं। आत्मनिर्भर कृषि, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे ओकेशन इसके विषय में हो गए, लेकिन किसी ने कृषि को उस तरह देखने के बारे में नहीं सोचा कि आजादी के अमृत महोत्सव के समय पर कृषि कहाँ पे खड़ी है। तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर कृषि भी उतना ही अविभाज्य अंग है। तो ये हमारा आज का विषय है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि इंडिया का एग्रीकल्चर जो कृषि निर्यात है भारत की, बहुत तेजी से आगे बढ़ी, बिलियन अमेरिकन डॉलर हमने किया 2021 में। 2020 में पैंडेमिक शुरू हुआ था, 4-5 महीने के लॉकडाउन में हम थे, तो खत्म होने तक हम ये फिगर क्रॉस कर ले। अब मेरा रोल ये है कि आपको इसमें अपने लिए क्या है ये बताना, ये फिगर आपके लिए डायरेक्ट मायने ना भी रखते हो लेकिन इसके अंदर अपने लिए क्या है, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं या हुए हैं, वो है चावल, राइस हो रहा है, बासमती नॉन बासमती दोनों, फिर मीट एंड मरीन प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, बफेलो मीट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसको एग्रीकल्चर में गिना जाता है क्योंकि वो लाइव स्टॉक में आता है, शुगर हो रहा है और कपास रुई एक्सपोर्ट हो रही है। तो अपने इधर 100 से ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, और उसमें अगर कॉटन का नाम आता है तो कॉटन का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो चैलेंज क्या है, प्रोसेस आइटम्स इसमें ज्यादा नहीं है, फूड प्रोसेसिंग करके जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वैल्यू एड करके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, ऐसी चीजें इसमें ज्यादा नहीं है, ये होनी चाहिए, ये हो तो बहुत फायदा होगा। क्लाइमेट चेंज के की वजह से, ऋतु में जो बदलाव हम देख रहे हैं उस वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम अभी तक पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पाए, समझ भी नहीं पाए कि ऋतु बदलने से अपनी फसल पे क्या असर हो रहा है, इसको हम कैसे बीट कर सकते हैं, असर तो हमारे सामने है, उसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसको एड्रेस अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं हुआ है और कोई और ऐसा ठोस प्रमाण हमें साइंटिस्ट ने भी नहीं दिया कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर किस तरह कर सकते हैं, कैसे भी ऋतु हो, बारिश सितंबर तक ना आए या जनवरी तक चालू रहे तो भी हम खेती किस तरह अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरी है फ्रेजाइल सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का कोई ठिकाना नहीं है, कल कहां से लेंगे कुछ पता नहीं, इसको बेचेंगे कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे में जब हम 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो अगर हम थोड़े ऑर्गेनाइज हो गए जो कि अजीत भाई ने बताया तो क्या नहीं कर सकती है, फिगर डबल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और चौथा है मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स, किसानों का डायरेक्ट एक्सपोर्ट में चाहिए उतना पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन हो गए, 5.5 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स अपनी अपने शहरों को छोड़कर जहां पे वो काम कर रहे थे वो छोड़ के गांव की तरफ वापस गए, और अप्रैल मई मार्च जून के पीरियड में गए जब सोई की सीजन थी तो उन्होंने कृषि में अपना ध्यान केंद्रित किया, इसलिए एम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ गया है। तो यहाँ से मुझे ये बताना है कि एग्रीकल्चर कृषि और एसएमई सेक्टर जो है 2008 में भी भारत को रिसेशन से बचाने का एक बहुत बड़ा कारक रहा था, 2000
2021-2020 में भी ये एग्रीकल्चर ही वापस एक हीरो बन के उभरा है, तो ऐसे में हम कोविड फाइटर्स किसानों को क्यों नहीं कहते, सिर्फ डॉक्टर्स क्यों, सिर्फ सोल्जर्स क्यों? किसान क्या कोविड फाइटर नहीं है? कैसे भी कोविड की परिस्थिति में किसान ने फसल नहीं उगाई है, हमारे घर तक अन्न नहीं पहुंचाया है, बिल्कुल पहुंचाया है। कोविड फाइटर में सबसे आगे नाम किसान का आना चाहिए, और यहाँ जरूरत है, जब एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ना चाहिए। तो अभी 30% तक वापस पहुंचा होगा, जो 1991 का फिगर था जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, तो वो 30% तक जाना चाहिए, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। आज 12 करोड़ किसान 140 करोड़ भारतीयों को अन्न दे रहे हैं, एक किसान के एवरेज में 12 भारतीयों को खाना खिला रहा है। तो ऐसे मौके पर हम ये तो बोल ही सकते हैं कि अन्नदाता तो बहुत समृद्ध होगा, क्योंकि 12 लोगों को फीड करता है, जो दूसरे को खिला सकते हैं, तो खुद के पास तो कितना हुआ है एग्रीकल्चर का ग्रोथ, तो देख ही रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये दिखाती है कि भारतीय किसान की मासिक आवक क्या है, कोई अंदाज? 1 लाख 2 लाख। सुधीर जी क्योंकि वो ज्ञानी है, उनको सब पता है, वो पॉलिसी मेकर है और किसानों के लिए बहुत देर चलता है, उनका मासिक आवक है, जो हम मुंबई में ट्यून में रखे ना तो 10,000 में शायद नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपना घर तो चला रहा है पर 12 भारतीयों को पाल भी रहा है, यहाँ पे चेंज बहुत जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड, स्टेटस ऑफ फार्मर्स, किसानों की हालत कैसी है? आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है? एक साथ के मौसम है, उसको एग्जैक्टली पता है उसे क्या लेना है, उसकी डिमांड भी उस तरह है, और उससे आपके भी कुछ लिमिटेशन है, इसे 9% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं ले सकते, 28 से कम लेंथ नहीं ले सकते, ये सब चैलेंजेस है ही आपके सामने। तो ये किसानों को समझना है कि दोनों साइड बंदूक रखने के बावजूद आपको इस नैया को कैसे पार लगाना है। तो पॉलिसी मेकर्स को, इंडस्ट्री को, सरकार को, हम सब लोगों को ये समझना है कि कॉटन एग्रीकल्चर में आज सबसे बड़ा रिस्क है, आज सबसे बड़ा चैलेंज है। किसान नेचर और बाहर के बीच में जो पीस ही रहा है, उसके साथ में जीएसटी भरनी पड़ती है सभी चीजों पे। एक अकेला किसान जब खुद के नाम पे खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदिए, पेस्टिसाइड खरीदिए, फर्टिलाइजर खरीदिए, जीएसटी लगता है, आपको जीएसटी बाहर नहीं मिलता है, कितना जीएसटी आप भर देते हैं इसका हिसाब लगाइए। यील्ड्स कम हो रहे हैं, दिन ब दिन कम होते जा रहा है, 2009 के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसे 3 साल आए हो भारत में जब कपास का उत्पन्न बढ़ा हो, तो 13 साल में ऐसे 3 साल भी नहीं है उत्पन्न बढ़ा है 2009 की कंपैरिजन में। तो क्या ये चैलेंज वाली बात नहीं है? इसके लिए क्या करना चाहिए? सीड, सॉइल, वेदर, ये 3 चीज डिटरमाइन करते हैं उत्पन्न को। बीच में बहुत क्रांति आने की जरूरत है, बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम आगे का 20 साल का सोच के भारत में ही ऐसे बीज मिले, जब हम रॉकेट बना सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं, तो अच्छे बीज नहीं बना सकते? बीज में ही क्रांति सबसे बड़ा स्टेप होगा उत्पन्न बढ़ाने के लिए। उसके बाद है सॉइल, मिट्टी में से सब तो ले लिया है हमने, एक लेडी को एक डिलीवरी होती है, 2 होती है 5 होती है 20 होती है, कितने बच्चे हो सकते हैं घर के? नहीं हो सकते। पर हमें तो जमीन से हर साल लेना है, और उतना ही लेना नहीं, हर साल से ज्यादा लेना है, क्योंकि अपने खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, तो जमीन को कुछ देना भी पड़ेगा। तो सॉइल एनरिचमेंट, सॉइल न्यूट्रिएंसी के मैट्रिक्स भी बनने चाहिए, और उसका पूरा स्टडी होके गवर्नमेंट की पॉलिसी उस तरफ फोकस